जब हम भी विकराल रूप ले लेंगे। मूर्ति तो क्या, ये बाबा साहब को हर घर में बैठाएंगे, ये निकम्मे अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो मोदी सरकार को मोतियाबिंद हो जाता है जब चंद्रशेखर भाई का आंदोलन होता है। यहाँ कोई मनुवादी सरकार देखो अत्याचार दलितों पे कर रही है। एक हो जाओ, बाबा साहब की स्टेचू भी हटा दी और ये संविधान भी बदल रहे हैं। बहुत क्रूरतियाँ इस मनुवादी सरकार की जो हमारे दलित समाज पर इतना अपमान कर रही है। बाबा साहब की मूर्ति को और उसके साथ साथ महात्मा गांधी की मूर्ति को भी वो यहाँ से ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो लोगों को दिखाई ना पड़े। बहुत क्रूरतियाँ इस मनुवादी सरकार की जो हमारे दलित समाज पर इतना अपमान कर रही है। नत्थू प्रसाद जी का मैं बहुत बहुत आभार जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनों के समर्थन में गाजियाबाद से चल गया मैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं ज़्यादा ना बोल के मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा, देखो बाबा साहब ने नारे दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, मगर संघर्ष भी कर रहे हैं। मगर बहुत क्रूरतियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। शिक्षित होने के बाद हम अपना कुछ छुपाव करते हैं, यह मंच पर मैं उजागर नहीं करूँगा। शिक्षित होने के बाद हमारे समाज के अपना छुपाव करते हैं, संगठित होने के बाद भी अलग अलग दल के नाम से भाई अलग अलग बिखरे पड़े हैं। ये नहीं बाबा साहब के नाम पर सब एक हो जाएं और इस मनुवादी सरकार को कम से कम एहसास तो दिलाएं भाई हम एक हैं इस मामले में। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, चंद्रशेखर भाई का आंदोलन होता है तो पूरा जंतर मंतर सैलाब होता है, पूरा प्रशासन की नाक में भी मोदी सरकार को मोतियाबिंद हो जाता है जब चंद्रशेखर भाई का आंदोलन होता है। बहुत ज़बरदस्त सैलाब होता है। बहुत देखो सम्मान की बात है, जितने भी हमारे महानुभाव बैठे हैं मंच पे बैठे हैं सभी का सम्मान है और जिम्मेदार लोग ही हैं भाई। बहुत आपका बहुत आभार है। यहाँ से आप नत्थू प्रसाद जी का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है इसको अपने अपने महकमे में भाई इसका भी बखान करोगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मनुवादी सरकार देखो अत्याचार दलितों पे कर रही है, इतना अत्याचार कर रही है। चाहे संविधान में संशोधन कर रही हो, शिक्षा में हमारे गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी बहुत शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ, वाल्मीकि समाज को देखो हमारे से लड़ाने की रणनीति बना रहे हैं, मतलब दलितों को दलितों से फूट डाल रहे हैं ये। तो इन्हों की सरकार को समझो, इन्हों की नीति इन्हें मंजूर थोड़ी है भाई। बाबा साहब का तो पूरे संसार में सम्मान होता है, इसी देश में आग लग रही है। ये मनुवादी सरकार बाबा साहब के नाम से ये कहीं मूर्ति हटा दिए, कहीं मूर्ति तोड़ती है, कहीं हमारे दलित समाज पर अत्याचार करती है। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा उन मनुवादियों से भी सीखो, संघ सब संघ हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ मजबूती के साथ भाई। अब तो कम से कम एक हो जाओ, बाबा साहब की स्टेचू भी हटा दी और ये संविधान भी बदल रहे हैं। अपनी ताकत का एहसास करा दो, नहीं तो मनुवादी सरकार घर में घुस के हमें छोड़ने की ना है। हम ही टारगेट पे हैं, सीधा निशाने पे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल के बस मैं तो ये चाहता हूँ, नत्थू प्रसाद जी का बहुत बहुत आभार, दलित शोषित मुक्ति मोर्चा का जो ये आंदोलन करा है सर ने, बहुत बहुत आभार। और अभी तो हमारी परीक्षा ले रही है ये सरकार, देखो जब हम भी विकराल रूप ले लेंगे। मूर्ति तो क्या, ये बाबा साहब को हर घर में बैठाएंगे, ये निकम्मे अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब की मूर्ति को और उसके साथ साथ महात्मा गांधी की मूर्ति को भी वो यहाँ से ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो लोगों को दिखाई ना पड़े कि ये बाबा साहब हैं, इन्होंने संविधान लिखा था, इन्होंने संविधान दिया समता समानता का अधिकार के लिए, उसमें जगह दी, उनको अलग करना चाहते हैं। और भाई महात्मा गांधी तो ठीक है, अहिंसा के माध्यम से दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना दाल साबरमती के कर दिया कमाल। तो अब संत और एक क्रांतिकारी व्यक्तियों के समूह को हम दो रूपे में देखें। मैं संक्षेप में रखना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमें
हम दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठने के लिए संबल दिया। संगठित रहो, संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ये जो नारा दिया है, ये ही समझ जाएं कि सिर्फ दलित वर्ग के लिए है, ऐसा नहीं। मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो सबके लिए है। तो आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है हमारे विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न संगठनों से हमारे बीच में आए, मैं उन सब का धन्यवाद करूँगा। और हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि हम सब ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली के सेंटर में ही ना करके अपने अपने क्षेत्रों में भी जो भी पदाधिकारी हैं संगठन के, उसको अपने क्षेत्रों में भी ले जाएं। और इस संगठन के माध्यम से हम दलित शोषित मुक्त मंच के माध्यम से उन लोगों को जागृत होना सिखाएं, संगठित होना सिखाएं, और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उनको तैयार। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि हम यहाँ से जाएं और इस विचारधारा को, इस संगठन को अपने क्षेत्रों में, अपने इलाके में उसका विस्तार करें और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।